कुमार दुबे ओपी क्षेत्र के रवि शर्मा हत्याकांड मामले का पुलिस ने खुलासा कर लिया है। गुरुवार को मैथन स्थित निरसा एसडीपीओ कार्यालय में प्रेस वार्ता कर एसडीपीओ पीताम्बर सिंह खेरवार, कुमार दुबे ओपी प्रभारी ललन प्रसाद सिंह के साथ वसीम अनवर खान मौजूद रहे। वार्ता में एसडीपीओ ने कहा कि रवि शर्मा की हत्या उसके छोटे भाई अमरनाथ शर्मा और छोटू ने चाकू से गला रेत कर की है। एसडीपीओ ने बताया कि साक्ष्य मिटाने के लिए अमरनाथ शर्मा हत्या के बाद शव को जलाने का प्रयास किया और हत्या वाले स्थान को साफ किया गया। वार्ता के दौरान एसडीपीओ ने यह भी कहा कि इन लोगों का आपराधिक इतिहास है। पूर्व में एक भाई धनु शर्मा ने अपने भाई बड़े भाई महावीर शर्मा की हत्या कर फरार था, जिसे हाल में ही कुमार दुबे पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा है। एसडीपीओ ने बताया कि आरोपी अमरनाथ शर्मा जेल में बंद धनु शर्मा के कहने पर ही रवि की हत्या की है। भाइयों में दो गुट बना हुआ था। कुमार दुबे थाना अंतर्गत एक व्यक्ति का शव मिला था 8 तारीख को, जिसमें हत्या का कांड दर्ज कराया गया था और इसमें उस कांड का हम लोगों ने उद्भेदन किया है। काफ़ी गहराई से पूछताछ करके और परिस्थिति एनालाइज करने के बाद उसमें एक रोचक तथ्य आया है कि जो उस केस का कंप्लेनेंट था, फाइनली उसी के द्वारा हत्या किया गया है और उसने अपना जुर्म कबूल भी कर लिया है। और मृतक का भाई ही उसको मारा था। ये लोगों का इतिहास भी उसी तरह का रहा है। अब ये लोग 6 भाई थे और पहले भी एक भाई का 2017 में हत्या हुआ था, जिसमें इन लोग का परिवार में ही उसको मारा गया था। धनु शर्मा, अमरनाथ शर्मा ये लोग जो है उसको मारे थे, महावीर शर्मा जो बड़े भाई था उनको। तो ये लोग दो गुट में आपस में ही बटे हुए थे और उसी मर्डर केस में धनु शर्मा को कुछ दिन पहले जेल भेजा गया है। तो उसको लगता था कि अभी वर्तमान में रवि कुमार शर्मा जो है वो पुलिस का मुखबिरी करके उसको पकड़ा दिया। वो 6 सालों से फरार चल रहा था। तो उसी में जो अभी हम लोग को पकड़ाया है उसका सबसे छोटा भाई अमरनाथ शर्मा जो है वो बड़ा भाई से काफ़ी संपर्क में रहता था, उसके साथ उसका अच्छा संबंध था। तो बड़ा भाई से मिलने गया था जेल में, तो उसको वहीं से निर्देश मिला कि वो पकड़ा दिया है, तुम लोग के लिए भी भविष्य में दिक्कत करेगा तो उसको मार ही देना अच्छा है। तो ये लोग प्लानिंग करके उसको मारे और शव को शिनाख्त ना हो करके उसको जलाने का भी प्रयास किए। तो हम लोग को पहले भी संदेह था, चूँकि 4 तारीख से पहले भी मारपीट वहाँ हुआ था। स्थानीय लोग बताए कि ये जो है अपना भाई को काफ़ी बुरी तरह मारा था, थाना में जाके कंप्लेन भी किया था कि हमको उल्टा उसी ने मारा है। तो ये सब परिस्थिति लगा, उसके बाद इसकी गतिविधि पर हम लोग गंभीरता से नज़र रखे। संदेह हुआ और कड़ाई से पूछताछ किया गया, जिसमें ये टूट गया और अपना जुर्म कबूल कर लिया और जिस हथियार से उसको मारा था चाकू से गला रेत कर वो बरामद करा दिया। और जो भी छुपाया था साक्ष्य जो है मिटाने के लिए, जला हुआ बेडशीट ये सब, वो जो छुपाया था उसका निशानदेही पर हम लोग बरामद कर लिए। इस तरह से इस घटना को।